देखो ये टेंस लिखाए हुए हैं, ठीक है, पिछले क्लास में टेंस पढ़ाए थे, अब इसका डेफिनेशन जो दिए हैं, देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं टेंस। पहला लिखे हुए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन देखो कैसे किसको बोलेंगे। तो लिखे हैं कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या लगा रहे, ता हूं, नी हूं, ते है, ते हो, ते है, इटीसी लगा रहे, ठीक है, वो साधारण सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। जिस वाक्य के अंत में, ठीक है, ताहू ती हूँ लगा रहेगा ना, वो तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएगा। देखो रूल, रूल में क्या है, आई वी यू दे तथा अन्य सभी प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है, सभी के साथ में ये सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। क्या के साथ में, डू, और नहीं के साथ में जो है डू डॉट का प्रयोग करेंगे। देखो थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट तथा नेम, वो थर्ड पर्सन में जाएगा, राम, सीता, द टीचर, द काउ, इटीसी, ये सब तुम्हारा क्या आ जाएगा थर्ड पर्सन के अंतर्गत, जिसमें क्या चीज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वी वन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वी वन एस एस का प्रयोग करेंगे इसमें थर्ड पर्सन में। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या के साथ में डज का प्रयोग करेंगे और नहीं के साथ में डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक, क्या के साथ में डू का प्रयोग करेंगे, ये डज का प्रयोग करेंगे और नहीं के साथ में डज का प्रयोग करेंगे थर्ड पर्सन में। जैसे एग्जांपल लिए, मैं आम खाता हूँ, ठीक है, मैं आम खाता हूँ, इसमें क्या हो जाएगा, आई ईट ए मैंगो। इसके बाद अगला है आई डू नॉट ईट ए मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूँ, इसमें क्या जुट गया सिर्फ नॉट, आई डू नॉट ईट ए मैंगो। अब इसके बाद क्या मैं आम खाता हूँ, क्या मैं आम खाता हूँ, तो क्या के साथ में क्या लगाना है, डू, तो डू आई ईट ए मैंगो, और फिर इधर आ जाएगा कि डू आई ईट नॉट ए, डू आई नॉट ईट ए मैंगो, क्या मैं आम नहीं खाता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या लिखे, दूसरा मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखो, जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, ठीक है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रहे हैं, लगा रहे, ठीक है, तो रूल के साथ में क्या आ जाएगा, उसके साथ में आई के साथ में सब्जेक्ट प्लस एम प्लस वी वन के साथ आई एन जी लगाना, मतलब वी फोर, क्या लगाना है, वी फोर का प्रयोग हो जाएगा। क्या लिखे हुए, क्या के साथ में एम और नहीं के साथ में एम नोट, ठीक, ये किसके साथ, आई के साथ, आई के साथ एम और नहीं के साथ एम नोट। अब देखो यू दे वी तथा अन्य प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, अन्य प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वी वन वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इसका लिए हुए हैं कि क्या के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, आर के साथ, जैसे यू दे वे लोग, वी हम लोग, उसमें क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे, और इसी के साथ में नहीं लगा रहेगा तो आर नॉट, ठीक है, नहीं लगा रहेगा तो आर नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अब थर्ड पर्सन में क्या करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो प्रयोग करेंगे, किसके साथ, तो ही सी इट या फिर नेम, किसी का नाम हो, राम, सीता, ठीक है, तो उसके साथ में सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या, क्या के साथ में क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे और नहीं के साथ में इज नोट का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, क्या के साथ में इज और नहीं के साथ में इज नोट का प्रयोग हो जाएगा। क्या लिखे, मैं पहला एग्जांपल लिए हुए है कि वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही इज राइटिंग, ठीक है, बिफोर में क्या आ जाएगा, राइटिंग, ही इज राइटिंग ए लेटर, ठीक। अब यहाँ पे फिर लिखे कि ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर, वह पत्र नहीं लिख रहा, वह पत्र नहीं लिख रहा, ठीक है। अब जैसे इसमें आ जाएगा, क्या वह पत्र लिख रहा है, तो उसमें क्या लग जाएगा, वह के साथ में इज पहले आ जाएगा, इज ही राइटिंग ए लेटर, इज ही राइटिंग ए